सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल डमरू वाले चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो जीमेल के थ्रू किसी को फ़ोटो या फिर कोई डाटा सेंड करते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि जिस तरह से हम लोग मोबाइल नंबर से किसी मोबाइल से व्हाट्सएप या फिर फेसबुक से किसी अपने फ्रेंड को फैमिली मेम्बर को SMS भेज देते हैं, कोई फ़ोटो सेंड कर देते हैं या फिर कोई PDF या फिर कोई दूसरा डाटा सेंड कर देते हैं, तो उसी तरह से किस तरह से हम लोग एक जीमेल आईडी से दूसरे जीमेल आईडी में किसी फ़ोटो को, किसी डाटा को या फिर किसी PDF को किस तरह से सेंड कर सकते हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहिए अगर आप लोगों को भी जानना है कि ये जो प्रोसेस आप किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर आप लोग PC यूज करते हैं तो आप लोग को सिंपली क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और उस पर जाके gmail.com को सिंपली ओपन कर लेना है। लेकिन मैं इस मोबाइल यूज कर रहा हूँ और उसके थ्रू मैं बताऊँगा कि किस तरह से आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले एक जीमेल ऐप होता है, जीमेल हो या फिर ईमेल हो, ये दोनों ऐप में से कुछ भी आप ओपन कर सकते हैं। तो सिंपली आपको जीमेल ऐप ओपन कर लेना है और इसको ओपन करने के बाद आपको एक बिल्कुल साइड में एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा, सिंपली आपको इस प्लस के आइकन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फॉर्म जो होगा उस पर आपकी ईमेल आईडी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। फॉर्म क्या, इसमें आपकी वो ईमेल आईडी फिल होगी जिस ईमेल आईडी के थ्रू आप किसी को डाटा या फिर SMS सेंड करना चाहते हैं। और उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा टू, तो टू में आपको एक ईमेल आईडी भरनी है और वो भी वो ईमेल आईडी भरनी है जिस पर आप किसी डाटा को सेंड करना चाहते हैं। तो सिंपली मैं उस ईमेल आईडी को फिल कर लेता हूँ। और उस जीमेल आईडी को फिल करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपको टाइटल डालना है, हेड क्या है, आप जो इसमें सेंड करने जा रहे हैं उस पे हेड क्या है, मेन क्या है। तो सिंपली मुझे, मैं टेस्टिंग के लिए इसको SMS को भेजना जा रहा हूँ तो मैं सिंपली टेस्टिंग डाल देता हूँ। आप यहाँ पर अपने हेड वर्ड को डाल सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा कंपोज ईमेल, यहाँ पर आपको वो डालना है कि क्या ईमेल है जो आप अपने फ्रेंड को या फिर फैमिली मेम्बर को सेंड करना चाहते हैं। तो आप अपना ईमेल भी लिख सकते हैं, मैं भी सिंपली कुछ भी लिख लेता हूँ। और इसके बाद आपको एक बिल्कुल साइड में एक सेंड का नीला नीला आइकन दिख रहा है, आपको सिंपली इस आइकन पर भी क्लिक कर देना है और इस तरह से आप किसी को भी ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो ये मेल हमारा जा चुका है। अब कंफर्म करने के लिए हमको क्या करना है, हम सिंपली उस ईमेल आईडी पर भी साइन करके देख लेते हैं। और यहाँ पर आया हूँ मैं, तो एक बार हम लोग सर्च कर लेते हैं। अभी तक तो ये ईमेल नहीं पहुँचा। और ये देखिए, टेक्निकल गुरुजी की तरफ से हमें ये SMS मिल चुका है, हेलो ब्रो। तो इस तरह से आप लोग जान गए कि किस तरह से आप किसी SMS को सेंड कर सकते हैं। अब बात आती है दूसरे नंबर पे कि हम किसी PDF या फिर डाटा या फिर किसी फ़ोटो को किस तरह से सेंड कर ले सकते हैं। तो चलिए उसी भी देख लेते हैं। उसके लिए आपको फिर से उसी ईमेल आईडी से साइन इन कर लेना है और उसके बाद फिर से आपको प्लस का जो आइकन दिख रहा है इस पर सिंपली क्लिक कर देना है और उसके बाद वही प्रोसेस फिर से करनी है। आपको टू में जिस ईमेल आईडी पर सेंड करना चाहते हैं उस ईमेल आईडी को फिल कर लेना है। और इस ईमेल आईडी को फिल करने के बाद आपको करना क्या है, ऑप्शन मिलेगा जो सब्जेक्ट का, तो आपको सब्जेक्ट में सिंपली मैं फ़ोटो टाइप कर लेता हूँ, आप कुछ भी सब्जेक्ट डाल सकते हैं। और उसके बाद एक कंपोज ईमेल, इस पर भी आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं।
अब नंबर आता है कि किस तरह से हम किसी फोटो को या फिर पीडीएफ को सेंड कर सकते हैं। तो जो आपको सेंड का आइकन दिखा था उसके जस्ट बगल में एक आपको आइकन दिख रहा होगा, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, अटैच फाइल, इंसर्ट फ्रॉम डिवाइस। तो जो इंसर्ट फ्रॉम डिवाइस है इस पर तब आपको क्लिक करना है जब आपको कोई पीडीएफ सेंड करनी हो, और अटैच फाइल में आपको तब क्लिक करना है जब आपको कोई फ़ोटो भेजनी हो। तो आज मैं भी आपको फ़ोटो सेंड करके दिखा देता हूँ। तो अटैच फाइल पर सिंपली क्लिक कर देते हैं और इसके बाद सारी प्रोसेस हो जाएगी और आपको सारी फ़ोटो मिल जाएंगी। अब हमने फ़ोटो भी सिलेक्ट कर ली है और उसके बाद हमें कंपोज पर भी जो टाइप करना था टाइप कर दिया है, और ये फ़ोटो है जिसे मैं सेंड करना चाहता हूँ। और उसके बाद सिंपली हमें सेंड किए आइकन पर क्लिक कर देना, और इस तरह से हमने इस फ़ोटो को भी सेंड कर दिया। अब कंफर्म करने के लिए हम फिर से ईमेल आईडी से साइन इन कर लेते हैं और एक बार फिर से स्कैन कर लेते हैं। और ये देखिए अभी अभी जस्ट मैसेज आया टेक्निकल डमरू वाले की तरफ से, ये देखिए सेम फ़ोटो। तो इस तरह से आप लोग किसी भी ईमेल आईडी को ईमेल आईडी के माध्यम से किसी दूसरे ईमेल आईडी में किसी भी फ़ोटो को सेंड कर सकते हैं। तो ये दो ट्रिक थी जो मैंने आप लोगों को बताई है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अपने दोस्तों के हेल्प के लिए आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और ऐसे ही टेक्निकल वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।